आज की इस वीडियो में आप देखेंगे वायर का प्रॉपर ज्वाइंट कैसे लगाया जाता है। तो काफी दोस्त जो ज्वाइंट करते हैं वो वाला ज्वाइंट भी हम करके दिखाएंगे और जो प्रॉपर ज्वाइंट है वो वाला भी ज्वाइंट हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड्स जो हमें वायर छीलनी होती है कम से कम हमें दो इंच की वायर छीलनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ज्वाइंट है वो अच्छे से कवर हो सके, अच्छे से ज्वाइंट लग सके। तो अभी आप देख सकते हैं हमने 2 इंच की ले ली है फ्रेंड और यहाँ पे हमने कट लगा लिया है, ठीक है। और इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूरा छील लेते हैं, ये 2 इंच का है। तो दोनों वायर को जो ज्वाइंट लगानी है हमें इसी तरह से छील लेंगे इसको। तो एक वायर ये छील गई फ्रेंड्स, ऐसे ही हम दूसरी वायर को भी इसी का हिसाब से इसी के नाप लेके हम छील लेंगे। मैंने आपको बताया इसका छीलने का तरीका, मतलब कितना छीलना चाहिए, 2 इंच कम से कम, क्योंकि अगर हम 2 इंच रखेंगे तो हमारा ज्वाइंट है वो अच्छे से लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये छिल गया है। तो इनमें से काफ़ी जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, जो दोस्त हैं हमारे, वो क्या करते हैं इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट करके अच्छे से और इसके यहाँ पे टेप लगा देते हैं, ठीक है। मैं फ्रेंड्स ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें क्या हमारा घाटा हो सकता है, मतलब क्या नुकसान हो सकता है, मैं करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपर ज्वाइंट मैं अभी करके दिखाऊंगा। काफ़ी दोस्त बोलेंगे कि स्टार्टिंग में ही प्रॉपर ज्वाइंट करके दिखा देते, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में करके दिखा देता ना वो, तो क्या है कि वो बोलेंगे कि वैसे ज्वाइंट भी लग सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना घुमा फिरा के कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कमेंट भी आते, इसलिए मैं ये शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, जब हम वायरिंग करते हैं, यहाँ पे मान लेते टेप लगी हुई है, तो ये मान लेते ये वायर कहीं फंस गई है और इसके ऊपर दबाव लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी जोर तो लगा ही नहीं है, इस तरह से ये खुल जाता है, ठीक है। ये ज्वाइंट बिल्कुल भी काम का नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा ज्वाइंट तो कभी भी मत लगाना, ठीक है। अभी हम लगाते हैं दूसरा ज्वाइंट, तो उसी तरह से हम इसको भी जल्दी से उसको छील के आपको दिखा देता हूँ। एक दूसरा ज्वाइंट है वो भी काफ़ी बंदे हमारे दोस्त हैं, इलेक्ट्रिशियन दोस्त हैं, वो लगाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, लेकिन ऐसा ज्वाइंट नहीं लगाना चाहिए जो कि खुल जाए, ठीक है, वायरिंग में प्रॉब्लम करे। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमने दूसरी वायर भी छील लेंगे। और ज़्यादातर जो मैंने पहले वाला ज्वाइंट लगाया वही ज्वाइंट लगता है, क्योंकि वो आसान होता है लगना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और इलेक्ट्रिशियन भाइयों के पास हमारे पास टाइम तो होता ही नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज्वाइंट हमारे ऐसे भी लगते हैं जैसे, ठीक है। अभी मैं देख करके दिखा रहा हूँ आपको, एक वायर इधर एक वायर इधर क्रॉस करके इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, और इसको भी इस तरह से, ये वाला ज्वाइंट इस तरह से लग जाता है। ये इधर की वायर इधर घुमा देते हैं और जो दूसरी साइड की वायर है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से राउंड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट लगाते हैं। ये पहले वाले ज्वाइंट से अच्छा ज्वाइंट है, लेकिन इस ये भी क्या जो हमारा खिंचाव है वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, इसको भी हम देख लेते हैं टेस्ट करके। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल सा था ये, अगर हम इसको प्लायर से टाइट भी कर देते ना तो उतना लोड ये नहीं ले पाता, थोड़ा सा टाइट हो जाता, लेकिन इतना अच्छा ज्वाइंट भी नहीं था ये, लेकिन पहले वाले ज्वाइंट से अच्छा ज्वाइंट था। अगर इसके ऊपर टेप लग जाती तो इतना जल्दी नहीं खुलता ये, ठीक है। मेरा दिखाने का यही मकसद है कि मतलब ये अच्छे से कौन सा ज्वाइंट है, ठीक है, इसको भी हम कट कर देते हैं। अभी जो हमारा ज्वाइंट है उसको करके देखेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम इतना ही छीलेंगे, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों हमारे छिल गए हैं।
तो इनमें क्या करना फ्रेंड, जैसे मैंने पहले अभी बीच वाला जो किया था उसी तरह से जो ये नीचे के पॉइंट है फ्रेंड्स, ये तो हमें कम रखने हैं ऐसे, ठीक है। और इसको इस तरह से एक राउंड लगा देना, एक राउंड लगा देना, ठीक है, जैसे कि गांठ लग जाए, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से गांठ लग गई है, इनमें से जो इधर वाला फ्रेंड्स उसको हम उधर ले जाएंगे, और इस साइड वाला है इसको हम इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो ये इधर वाला उधर चला गया और उधर वाला इधर आ गया, अभी आप देख सकते हैं। और इस साइड वाले को हम क्या करेंगे, इस तरह से लपेट देंगे इसको, ठीक है। और इधर वाला जो है वो इस डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लपेट देंगे इसको अच्छे से, ठीक है, टाइट कर देंगे। और जब इसके ऊपर टेप वगैरह टाइट वगैरह हो जाएगा ना, ये ज्वाइंट कहीं नहीं हिलने वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम टेप लगाए बिना ही टेस्ट करते हैं इसको कि कितना काम कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ से ये इंसुलेशन ही पीछे खिसकने लग गया, लेकिन ज्वाइंट बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, ज्वाइंट बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो रहा। यहाँ से जो इंसुलेशन है फ्रेंड्स वो ही पीछे चला गया, और इस साइड भी पीछे जा सकता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो इंसुलेशन है ये पीछे जाने लग गया है, लेकिन ज्वाइंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारा जो ज्वाइंट है वो बेस्ट ज्वाइंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ही ज्वाइंट लगाइए, और इसके ऊपर टेप लगा के अच्छे से PVC टेप लगानी है, और ये ज्वाइंट आप करेंगे तो कभी भी ज्वाइंट खुलने का डर नहीं है, और कभी भी कार्बन वगैरह नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।